जय हिंद दोस्तों, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त को मनाने के लिए पूरे देश में बहुत ही जोरों से तैयारियां चल रही हैं। और दोस्तों 15 अगस्त 2022 जो है बहुत खास भी है, जिसकी वजह से और जबरदस्त से यहां पर तैयारियां हो रही है। तो दोस्तों पूरा डिटेल में हम बताएंगे कि 15 अगस्त 2022 क्यों खास है, क्यों इतनी जबरदस्त तैयारियां इसकी हो रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ हम पीछे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश यहाँ पर स्वतंत्र हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना यहाँ पर हर्षोल्लास था कि हमारा देश यहाँ पर स्वतंत्र हो चुका था। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो 1947 से लेकर के 2022 तक टोटल यहाँ पर जो है 75 वर्ष जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों किसी हमारे देश में किसी राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए, जैसे कि 25 वर्ष पर, 50 वर्ष पर, 75 वर्ष पर या शताब्दी वर्ष पर मनाने के लिए, उसको हम कुछ अलग नाम भी देते हैं, जो कि नाम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। देख सकते हैं, अगर जब हम 25 वर्ष पर किसी राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं, उसे हम लोग सिल्वर महोत्सव यानी कि सिल्वर जुबली के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, अगर 50 वर्ष कंप्लीट हो जाता है उसे गोल्डन महोत्सव के रूप में मनाते हैं, और 75 वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे प्लेटिनम महोत्सव यानी प्लेटिनम जुबली के नाम से मनाते हैं, और जब शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे शताब्दी महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। तो दोस्तों 1947 से 2022 टोटल अगर आज़ादी की बात करें तो यहाँ पर जो है 75 वर्ष आपके पूरे हो जाते हैं, जिसे हम लोग प्लेटिनम महोत्सव के रूप में मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने नए शब्द का प्रयोग किया है, जैसा कि आप सभी सुन भी लिए होंगे, अमृत महोत्सव का। तो हालांकि ये नाम भी बहुत ही अच्छा है और हमारे देश के लिए भी शूट कर रहा है। तो यानी कि दोस्तों इसका टारगेट कि हर घर में झंडा, यानी कि हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये 75वां वर्ष जो है मनाएंगे, और ये जो मनाएंगे वो हम लोग किसके तौर पर मनाएंगे, अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी भी बहुत ही शानदार तरीके से इस 15 अगस्त को आप लोग मनाइएगा, और इसका टारगेट भी यही है कि हर घर में तिरंगा। और यहाँ देख सकते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्ष को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ये 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक ये मनाया जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब देख रहे हैं यानी कि 75 वर्ष हमारे आज़ादी कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए इसे और बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी भी इस आज़ादी के 75वां वर्ष यानी अमृत महोत्सव को आप सभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाइएगा। स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी हो सके तहां आप जाइएगा और अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा, और अच्छे से आप लोग 15 अगस्त को मनाइएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हम सभी का टारगेट होगा कि पूरे देश को हर्षोल्लास के साथ जो है हम लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे से हम लोग मनाएंगे। अगर दोस्तों क्या आपने कुछ सोचा है कि 16 अगस्त को क्या होगा? थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो 15 अगस्त को जितनी खुशी है उतनी थोड़ा सा दुख होता है 16 अगस्त को, क्योंकि दोस्तों क्या आपने सोचा है कि 16 अगस्त को क्या होगा? 16 अगस्त को दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 15 अगस्त को आज़ादी मनाने के बाद जो है अपने देश का जो आन बान शान यानी कि अपने देश का जो तिरंगा है उसको कहीं फेंक देते हैं। यानी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कहीं आपको रोड पर मिलेंगे, या फिर दोस्तों कहीं आपको डस्टबिन में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा झंडा कहीं पर भी या फिर रोड पर गिरा हुआ या फिर दोस्तों कूड़ेदान में फेंका हुआ अगर मिलता है, तो इससे बड़ा अपमान हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसे अमृत महोत्सव के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया, उसी तरीके से अगर 16 अगस्त को हमारे झंडा को अगर अपमान होता है, तो इससे बड़ा हम लोगों के अंदर अपमान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके। 16 अगस्त को अगर कहीं पर भी आपको झंडा दिखे तो जरूर आप उसे उठा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे झंडे का यहाँ पर अपमान होगा तो विदेशों में भी अगर मीडिया के तौर पर देखा जाएगा तो हम लोगों की क्या होगी, एक मजाक बनकर के रह जाएगा कि हम लोगों ने 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में हमने मनाया, लेकिन जो है हमने अपने देश के झंडे को अच्छे से रखा नहीं, अपमान कर दिया। ठीक है, तो इससे बड़ा शर्मनाक हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग का कोशिश ये रहना चाहिए कि 16 अगस्त 17 अगस्त को कहीं पर भी हमारा झंडा गिरा हुआ ना मिले, अगर कहीं पर भी मिले तो उसे आप जरूर जो है उठा लीजिएगा और उसे अपने पास में रख लीजिएगा। यानी कि दोस्तों किसी भी तरीके से हमारे झंडे का अपमान हर हाल में नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप लोग झंडा उतना ही खरीदिएगा जितना आप अपने पास में रख सके, ऐसा नहीं कि 15 अगस्त को मनाने के बाद जो है झंडे को आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप कूड़ेदान में मत फेंकिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी का यही टारगेट होना चाहिए
कि अपने झंडे का हमें अभिमान बचाना है, उसकी शान बचानी है। इसके लिए दोस्तों कहीं पर भी आपको झंडा दिखे तो उसे ज़रूर अपने पास में रख लीजिएगा। अगर कोई भी झंडा फेंकता है तो उसे ज़रूर आप जाकर के समझाइएगा और बोलिएगा कि झंडा हमारे देश की शान है, अगर हमारा देश है तो हम है, अगर देश नहीं तो हम नहीं है। जैसे कि दोस्तों अगर एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो आप अफगानिस्तान को देख सकते हैं। हाल ही में दोस्तों रूस यूक्रेन का युद्ध जो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कितना हानि हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अपने झंडे को किसी भी तरीके से अपमान होने नहीं देंगे और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये पता हो सके। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।